हाय गाइस, वेलकम टू सीक्रेट ऑफ फ्लेवर्स। आज हम बनाएंगे सूजी के अप्पम, हम इन्हें आपे भी बोलते हैं। एक बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है और साथ साथ में टेस्टी और हेल्दी भी। सो आप ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए और इस रेसिपी को लाइक करना ना भूलें। सो चलिए आपे बनाना स्टार्ट करते हैं। सो अप्पम बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने हाफ कप ऑफ सूजी ली है एंड उसके बाद यहाँ मैंने हाफ कप ऑफ दही लिया है। हमें दही उतनी लेनी है जितनी सूजी। उसके बाद यहाँ मैंने वेजिटेबल्स चॉप करी हैं। यहाँ मैंने अनियन, कैप्सिकम और एक ग्रीन चिली चॉप किया। आप अपनी मर्जी से सब्जियाँ ले सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे पानी यूज़ करना है जितना रिक्वायर्ड हो। उसके बाद यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर ली है एंड 7-8 करी लीव्स को मैंने चॉप कर लिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून राई ली है एंड 1 टेबल स्पून सॉल्ट ली है। तो अब हम एक बोल में सारे इंग्रीडियंट्स को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं सूजी ऐड कर रही हूँ बोल में एंड उसके बाद यहाँ पे मैं दही ऐड करूँगी एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने अच्छे से सूजी और दही को मिक्स कर लिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स डाल लूँगी। हमने यहाँ पे ग्रीन चिली इसलिए लिया है क्योंकि आपे में और कोई मसाला नहीं डलता इंस्टेड ऑफ सॉल्ट, इसलिए यहाँ मैंने ग्रीन चिली डाली है। मैंने 1 ग्रीन चिली यूज़ करी है यानी हरी मिर्च। आप जितनी ज़्यादा मिर्ची रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिए। तो यहाँ मैं बिल्कुल 1 टेबल स्पून पानी डालूंगी। आपे का जो बैटर होता है वो थिक ही होता है, इसलिए यहाँ पे हमें पानी की इतनी नीड नहीं होती। सिर्फ हमें हल्का सा जो यहाँ पे हमारा डेंस बन गया था मिक्सचर उसको हमें पतला करना था, इसलिए सिर्फ इन टोटल हमने 2 टेबल स्पून ऑफ वाटर डाला है इसमें और कुछ नहीं। एंड हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड इसके बाद यहाँ मैं चॉप्ड जिंजर ऐड कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको जिंजर नहीं पसंद है यानी अदरक नहीं पसंद है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आपको जितना ज़्यादा सॉल्ट डालना है, आपको कम पसंद है सॉल्ट तो आप कम डालें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा, तो आप सॉल्ट अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। तो यहाँ मैं अच्छे से सारे मिक्सचर को मिक्स कर लूँगी एंड इसे 10 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख दूँगी ताकि सूजी फूल जाए। एंड इतने में तड़का पैन लूँगी जिसमें यहाँ मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। हमें यहाँ पर तड़का बनाना है जो हम अभी मिक्सचर में अपने ऐड करेंगे। तो अब इस ऑयल में मैं यहाँ पे राई डाल रही हूँ सबसे पहले एंड उसके बाद यहाँ मैं कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ। तो यह हमारा तड़का बनके रेडी है। तो आफ्टर 10 मिनट्स हमें सबसे पहले क्या करना है, हम मिक्सचर में सबसे पहले 1/2 टीस्पून यानी आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा आपके पास नहीं है तो आप इनो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ मैं प्रिपेयर्ड तड़का ऐड करूँगी मिक्सचर में एंड मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी लास्ट टाइम। तो यहाँ हमारे अप्पम का मिक्सचर एकदम रेडी है। तब हमें क्या करना है, हमें अप्पम पैन लेना है और सबसे पहले उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इससे क्या होगा, जो हमारे आपे हैं वो नीचे से ना बर्न होंगे और कुक भी अच्छे से हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे अच्छे से सबको ब्रश कर लेते हैं ऑयल से एंड उसके बाद यहाँ पे हमने सारा जो आपे का मिक्सचर है इधर फिल कर लेना है। हम एकदम ऊपर तक डालेंगे सारे मिक्सचर को। तो यहाँ मैंने सारा मिक्सचर फिल कर लिया है। तो अब हम इसके बाद क्या करना है, हम इसे ढक के 2 मिनट्स के लिए कुक करेंगे ऑन लो टू मीडियम हीट एंड आफ्टर 2 मिनट्स हम चेक कर लेंगे। अगर वो नीचे से कुक हो चुका है तो हमने सबसे पहले टॉप पे दोबारा ऑयल ब्रश करना है ताकि जब हमने पलटे तो ये दूसरी साइड से भी उतने अच्छे से ही कुक होए। तो यहाँ हम सारे आपे टर्न कर लेंगे एंड कुक होने देंगे दूसरी साइड से भी। एंड इसके बाद हम दोबारा अप्पम को ढककर 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी कुक होने देंगे। तो 2 मिनट के बाद हमारे अप्पम एकदम रेडी है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ हमारे अप्पम कितने अच्छे से कुक हुए हैं।
हम देख सकते हैं अंदर से ही बहुत अच्छे से कुक हुए हैं। तो आप इसे सॉस, ग्रीन चटनी या किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे सांभर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।